हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और वैकेंसी के साथ हाजिर हुए हैं आप सभी के सामने। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की तरफ से जो अभी एक रिक्वायरमेंट यानी एक जो वैकेंसी निकली हुई है जिसमें 1072 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें हेड कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई है। ये कांस्टेबल की ना होकर हेड कांस्टेबल की, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए सारी बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में, कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे इसको अप्लाई करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और इसका एग्ज़ाम का मोड कैसा होने वाला, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी न्यू लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट कर दिए चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये एडवर्टाइज़ है बीएसएफ रिक्वायरमेंट की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से पब्लिश किया गया है, तो ये एडवर्टाइज़ अभी जागरण जो जो आपको मालूम ही होगा कि एक वैकेंसी जो आती है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, हर वैकेंसी यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो वहाँ से ये पब्लिश हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है वो सारा कुछ आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2019 फॉर 1072 हेड कांस्टेबल पोस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्राम 14 मई। तो 14 मई से ये एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन प्रोसेस है आप यहाँ से ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये 14 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2019 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हैज इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल इन ग्रुप सी। तो ग्रुप सी की पोस्ट है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, हेड कांस्टेबल है ना कि कांस्टेबल। ओके, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई टू द पोस्ट थ्रू द फॉर्मेट ऑफ बिफोर 12 जून। तो आप यहाँ पे 12 जून से पहले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ये 14 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। 14 मई से 12 जून के बीच में आप कहीं कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2019 फॉर 1072 हेड कांस्टेबल पोस्ट विल कॉमन्स फॉर 14 मई। तो 14 मई से स्टार्ट होगा एंड क्लोज डेट ऑन 12 जून 2019। दिस इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स हु विश टू मेक दियर करियर इन बीएसएफ। तो जो लोग अपना बीएसएफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। A total of 172 vacancy will be required through the requirement dry out of the which 300 vacancy or the head constable। तो यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर जो 300 वैकेंसी है ये रेडियो ऑपरेटर की है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की, ठीक है। एंड 772 फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। तो 772 जो हैं ये रेडियो मैकेनिक की हैं और 300 वैकेंसी यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर की हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 1072 होता है। द एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट हु विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, नो अदर मोड इज सबमिटेड फॉर एप्लीकेशन इज अलाउड। तो ऑनलाइन ही ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ऑफलाइन या फिर और किसी मोड से इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन चेक अ ब्रीफ डिटेल बिफोर अबाउट बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2019 ऑफ 1072 हेड कांस्टेबल पोस्ट बाय स्क्रॉलिंग डाउन। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो देख लेनी है। तो स्टार्टिंग डेट जो इसकी है वो 14 मई है, एंडिंग डेट जो अप्लाई करने की एंडिंग डेट जो है वो 12 जून है, ठीक है। बी एस एफ वैकेंसी डिटेल तो है जो आपको यहाँ पे हम डिटेल भी तो देख लेते हैं, डिटेल कैसे है। तो इसकी जो डिटेल है, हेड कांस्टेबल के लिए रेडियो ऑपरेटर अगर आप हैं तो यहाँ पे 300 वैकेंसी है, रेडियो मैकेनिक है तो 772 वैकेंसी है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट शुड हैव डन मेट्रिकुलेशन आर 12th और इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकोगनाइज बोर्ड एंड 2 ईयर ITI। अगर आपके पास 12th है या फिर हाई स्कूल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपके पास 12th है, हाई स्कूल है तो आप इस
फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास 10th और ITI भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और ये ऑनलाइन प्रोसेस है और कब से कब तक है तो इसकी आप डेट एक बार फिर से देख लीजिए। ये 14 मई से स्टार्ट होने वाला है और ये चलेगा प्रोसेस पूरा 12 जून तक। उसमें एज लिमिट जो है वो भी देख लीजिए, 18 से 25 साल एज लिमिट है, ठीक है। और अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग गवर्नमेंट नॉर्मल अलग अलग मतलब जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, रिलैक्सेशन वो भी दिए गए हैं। अगर आप SC से हैं, OBC से हैं, ST से हैं, जिसका जैसे छूट होती है वो भी आपको यहाँ पे मिला जाता है, ठीक है। सिलेक्शन और यहाँ पे प्रोसेस के हिसाब, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ हेड कांस्टेबल पोस्ट, कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड डिस्पोजिटिव टेस्ट एंड फाइनल मेडिकल एग्ज़ाम। तो आपको यहाँ पे पहले रिटन होगा, फिजिकल होगा, डिस्पोजिटिव टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ऐसे ही बने रहिएगा ताकि जो भी न्यू लेटेस्ट वीडियोज़ होगी वो सबसे पहले आज तक पहुँचते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।